हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। मैं हूं रतनदीप। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज ये पहला चैप्टर है, पहला दिन है। इस दिन आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत देखने जा रहे हैं कि इंग्लिश क्या है। अंग्रेजी ग्रामर को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि अंग्रेजी क्या है। तो आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि अंग्रेजी एक भाषा है। तो सबसे पहले आप लोग इसे लिख लीजिए, ये क्वेश्चन हुआ और इसका आंसर आपके बीच हम लिखते जा रहे हैं कि अंग्रेजी क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग लिखेंगे इंग्लिश is a language. इसका मतलब हुआ अंग्रेजी एक भाषा है। उसके बाद अंग्रेजी के बारे में ही कुछ और पढ़ेंगे। अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी कि एक ऐसा भाषा है जिस भाषा को दुनिया के लगभग 99% देशों में उपयोग किया जाता है और बोला जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है कि यह एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, सभी देशों में बोला जाता है। तो उसे भी हम लोग लिख लेंगे। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल का मतलब हो गया अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अंग्रेजी क्या है। इसके बाद हम लोग यहां लिखने जा रहे हैं अंग्रेजी एक ईएस लैंग्वेज है, यानी कि इंग्लिश इज एन ईएस लैंग्वेज। ईएस का मतलब होता है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। जिस देश का मेन लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है वहां अंग्रेजी दूसरे स्थान पर होता है, क्योंकि उस देश का जो मेन लैंग्वेज होता है वह लैंग्वेज उस देश का मुख्य भाषा होता है, जो फर्स्ट लैंग्वेज कहलाता है, और उसी देश में उसके नीचे इंग्लिश का उपयोग होता है अधिकतर लोगों के द्वारा, तो वह दूसरे नंबर पर आ जाता है, यानी कि वह सेकेंड लैंग्वेज। इसीलिए उस देश में इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज कहा जाता है। तो उसी चीज को यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश ईएस लैंग्वेज। तो आप लोग ये भी बोल सकते हैं दूसरे के पास। फिर उसके बाद अंग्रेजी एक अनुवादित भाषा, इंग्लिश इज ट्रांसलेटेड लैंग्वेज। ट्रांसलेटेड का मतलब होता है अनुवादित, यानी कि अगर हम इंडिया में हैं तो इंडिया का मेन भाषा हिंदी हुआ है, और हिंदी को हम लोग बदल देते हैं इंग्लिश में, हिंदी को हम लोग बदल देते हैं इंग्लिश में। इसीलिए देख रहे हैं यहाँ पे हिंदी को हम लोग बदल देते हैं किसमें, इंग्लिश में, इसलिए अनुवादित भाषा होगा, ट्रांसलेटेड लैंग्वेज। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। चलते चलते आप इस वीडियो को
अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इतना देर अपना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।